वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो इंटरव्यू के लिए है जिन्होंने IBPS RRB PO मेन क्वालिफाई किया है। इस वीडियो में क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये मॉक इंटरव्यू इसमें शामिल है। टेलीफोनिक मॉक इंटरव्यू जो मैंने एक स्टूडेंट का लिया, जिनका आप फोटो देख रहे होंगे इस वीडियो के थंबनेल में, उनके बारे में भी बताऊंगा और उस मॉक इंटरव्यू के बारे में। उनका बायोडाटा मैंने लिया। मॉक इंटरव्यू में तो शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस पर बात है, लेकिन उनके बायोडाटा से कौन कौन से क्वेश्चंस उठते हैं उन सब पर बात मैं करने वाला हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि 3-4 वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें हर वीडियो में एक स्टूडेंट का बायोडाटा हो, वहां से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो बहुत मायने रखते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन होने से आप सबों को मदद मिलेगी। तो उस बायोडाटा पर पहले मैं बात करूंगा और फिर लास्ट में उस टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा करीब 4-5 मिनट का लास्ट। सबसे पहले आप कितना जानते हैं, ये प्री और मेन में तय हो चुका है। एक बैंक मैनेजर में जानकारी के अलावा अन्य खूबियां भी होनी चाहिए जो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है और वो इंटरव्यू में टेस्ट होता है। लेकिन ये IBPS RRB PO है समथिंग स्पेशल। हर बैंक के सामने ये समस्या है कि जो सेलेक्ट होकर के आते हैं रूरल पोस्टिंग से वो भागते हैं। RRB तो रूरल एरिया में काम करने के लिए ही है। स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है और उसके बाद फिर SBI में और दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिससे RRB जूझ रहा है, इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड में ये सबसे अधिक मायने रखता है कि एक स्टूडेंट रूरल एरिया के साथ कितना लगाव रखता है, उस काम में उसकी कितनी रुचि है और वो उसमें रह पाएगा या नहीं। आपके बॉडी लैंग्वेज से ये झलकना चाहिए। ये इंटरव्यू बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशल है, जो अन्य किसी भी इंटरव्यू से अलग है। इस पर मैंने क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने जवाब दिया है और फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है इस मॉक इंटरव्यू में जो इनके साथ हुआ है और इस वीडियो के लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले चलिए इनके बायोडाटा को देखते हैं और इसमें कौन कौन सी बातें उभर करके सामने आती हैं, जिनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब पर मैं बात करूंगा। तो आइए, मैंने सबसे पहले कहा, देखिए अभिषेक कुमार हैं। इनका शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरी कोई मुलाकात नहीं है, मैं मेरे YouTube चैनल पर ये पढ़ते हैं, लेकिन एक दूरी के साथ पढ़ते हुए भी एक स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से स्थान बना सकता है और ये रेगुलर रहते हैं, मेरे हर सेशन में रहते हैं और बिहार के ग्रामीण परिवेश में रहकर पलने वाला बढ़ने वाला ये स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है। सचमुच में बिहार को भी रिप्रेजेंट करता है, एक सामान्य स्टूडेंट लेकिन जिसके अंदर बुद्धि और क्षमता कूट कूट के भरी हुई। इसने पिछले 6-7 महीनों में जो मैंने देखा है, जो इनके कमेंट से दिखता है, जबरदस्त क्षमता विकसित कर ली है और देखते ही देखते 2-3 एग्जाम में इनका सिलेक्शन हो चुका है और अब इनके सामने IBPS RRB PO का इंटरव्यू है। मैं कई स्टूडेंट्स के लूंगा लेकिन आज मैं अभिषेक कुमार का बायोडाटा लेता हूं और इनके साथ कल रात में मैंने जो टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, एक तरह से मॉक इंटरव्यू आप बोल सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगा लास्ट में, ठीक है, वो करीब 4-5 मिनट चलेगा। तो इनके बायोडाटा को देखिए, कौन कौन से सवाल उठते हैं, ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा होगा वो, या होगा तो मैं इसमें दिखा दूंगा थोड़ा बड़ा करके।
या मैं बोल दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। देखिए अगर नाम में कुछ है समथिंग स्पेशल तो पूछा जा सकता है, अभिषेक जी आपके नाम के इस शब्द का मतलब क्या है, ये पहला सवाल हो सकता है। फादर का नेम दीनानाथ सिंह, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सामान्य चीजें। एडिशनल क्वालिफिकेशन निल, एक सामान्य बिहार का स्टूडेंट जो पढ़ते हुए सामान्य प्रक्रिया के साथ यहां तक पहुंचा हो। हॉबीज, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। हॉबीज क्रिकेट, रीडिंग नॉवेल्स। तो भाई ये आपके क्वेश्चन का एरिया है। क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट जिसकी हॉबी होगी वो क्रिकेट के बारे में तो सब कुछ जानेगा, जिसकी हॉबी नहीं है वो तो जानता है, तो क्रिकेट जिसकी हॉबी होगी क्यों नहीं जानेगा। तो क्रिकेट के सामान्य रिकॉर्ड्स, हाल फिलहाल में क्रिकेट जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो विनर हैं, लूजर हैं, और इंडिया का जो पोजीशन है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। रीडिंग नॉवेल्स, तो नॉवेल्स में उपन्यास में किस उपन्यासकार का आपको पसंद है, क्यों पसंद है, नेशनल कौन है, इंटरनेशनल कौन है, किस तरह के नॉवेल्स पसंद है, जब आप पढ़े हैं तो कुछ नाम भी पूछे जाएंगे, तो वो सब माने रखता है। आप रूस के मैक्सिम गोर्की का नाम जानते हैं कि नहीं, अगर भारत के प्रेमचंद का नाम जानते हैं और दोनों ही सिमिलर हैं, समकालीन हैं, इस तरह से जो आपका प्रिय उपन्यासकार है उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्रसिद्ध रहे हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं, कौन आपके पसंदीदा हैं, उनके नॉवेल्स क्या हैं, वो सब पूछा जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं, इंटरव्यू बोर्ड से दूर नहीं भागना है, उसके नज़दीक जाना है। बायोडेटा से अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं मालूम, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा है इंटरव्यू बोर्ड को अपने एरिया में लाइए, आइए इंटरव्यू बोर्ड, ये मेरा बायोडेटा है, देखिए 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 ये मेरा हॉबी है, पूछिए ना क्रिकेट से मुझे कितना लगाव है, पूछिए कि नॉवेलिस्ट के बारे में और नॉवेल्स के बारे में मैं जानता हूं, पूछिए। मतलब ये आप बोल नहीं रहे, आपका बायोडेटा बोल रहा है, क्योंकि आप बायोडेटा में उसको लेकर के आ रहे हैं। एड्रेस मैंने हटा दिया, इनका पर्सनल है, इसको ध्यान में रख के, बिहार से हैं। फादर का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, मायने रखता है, पर आरआरबी के लिए तो स्पेशल, जैसे ही यहां ध्यान जाएगा ना एग्रीकल्चर, समझ लीजिए फादर का तो 5-10% वेटेज तो आपको मिल गया, क्योंकि ये आरआरबी है। इसके बाद रूरल परिवेश में बैंकों की क्या भूमिका है, दूसरे बैंकों की तुलना में आरआरबी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे अलग है, आरआरबी में आप क्यों जाना चाहते हैं, आरआरबी छोड़ करके तो आप नहीं चले जाएंगे अगर एसबीआई में होगा, ये क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं, उन्होंने जो आंसर दिया है और फिर मैंने जो रिप्लाई दिया है ये लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में शामिल है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के रूप में, वो आप देख लीजिएगा, मैंने सुझाव भी दिया है, बताया भी है। फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। अचीवमेंट, यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन अचीवमेंट, 2 scholarship इन NCC नेशनल कैडेट कोर, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके बायोडेटा के इस फर्स्ट पार्ट में NCC के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, आप जो भी जिस तरह से जुड़े रहे हैं उसके बारे में, भारत में NCC के रोल के बारे में, NCC में और किसी तरह के आप चाहते हैं कि उसे और भी कुछ करना चाहिए, उसकी भूमिका के बारे में इवैल्यूएशन करके रखिए। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो ये आपका अपना एरिया है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी चीजें हैं, 2013 में देखिए कहाँ पर सवाल उठता है, 2013 में इन्होंने 10th पास किया मैट्रिक, 63.4% मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कहाँ मैटर करता, देखिए 12th में सब्जेक्ट्स देखिए और
2015 में पास किया, ओके, और ग्रेजुएशन इन्होंने 2019 में पास किया। 12th में देखिए 85.4% जबरदस्त मार्क्स है, टॉप भी किया इन्होंने फर्स्ट रैंक के साथ, लेकिन ग्रेजुएशन में ये क्या हो गया 47.6%। ये आपसे पूछा ही जाएगा कि क्या आपने गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया था, ऐसा कैसे हो गया कि इतना अच्छा स्टूडेंट इंटर में जिसका चौपट होता है, 10th में बहुत अच्छा होता है, ग्रेजुएशन में भी अच्छा हो जाता है, लेकिन 12th सबसे खतरनाक मोड़ होता है और उसमें आपने 85.4% मार्क्स के साथ टॉप किया, तो आखिर ये डिटेरियोरेशन कैसे हुआ, आपसे जरूर पूछा जाएगा। गैप का सवाल नहीं है क्योंकि 2019 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 2020 में तो कोरोना का पूरा पीरियड रहा है और 2001 में सिलेक्शन है, तो गैप का इनके लिए कोई मैटर नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं उठता। ऑनर्स इन्होंने अकाउंट्स में किया है और सब्जेक्ट्स देखिए अकाउंट्स, कॉस्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, तो आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग टर्म से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के दूसरे सारे एरिया में, और मैथ्स भी आपका है, तो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का नहीं इंटर लेवल का सिर्फ चाहिए बस, मतलब इतना परेशान नहीं होना है, जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो पता होना चाहिए बस, सामान्य जानकारी, लेकिन आपका इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट है, इसीलिए इकोनॉमिक्स तो ऐसे स्टूडेंट से भी पूछा जाता है जिसने फिजिक्स ऑनर्स किया और इंटरव्यू बोर्ड कहता है आपने तो फिजिक्स ऑनर्स किया है लेकिन फिर भी कुछ तो बैंक के बारे में जानते होंगे, अच्छा बताइए तो भाई CRR क्या है, मतलब अप्रोच देखिए इंटरव्यू बोर्ड का, वो ये मान के चलते हैं कि नहीं मालूम फिर भी तो कुछ मालूम होना चाहिए और जिसका इकोनॉमिक्स रहेगा उससे तो जरूर पूछा जाएगा, तो इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिएगा, करंट सिनेरियो जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पर ध्यान दीजिएगा, प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं फ्यूल के, पेट्रोल डीजल ETC, उसका GST के साथ लिंकेज सॉल्यूशन, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, करंट में जो भी टॉपिक उठ रही है उन सब पर बात कीजिएगा, लेकिन मैं ये धीरे धीरे करके कई वीडियो में बात करूंगा। आज के वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप अभिषेक कुमार के इस बायोडाटा को देखें, उसके मुताबिक समझें, एक बात की ओर तो ध्यान जरूर जाएगा, बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के बारे में जानकारी, पर आपकी शिक्षा दीक्षा तो बंगाल में हुई है तो बंगाल के बारे में जरूर पूछा जाएगा, बंगाल का नेशनल मूवमेंट में रोल ये आपको पता होना चाहिए, बंगाल का करंट सिनेरियो, किन चीजों में बंगाल, बंगाल आप समझते हैं कोलकाता राजधानी रही है भारत की, 100 साल से ज्यादा समय तक कोलकाता राजधानी रही, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुई, तो बंगाल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, इनके बारे में इतनी चर्चा के बाद आइए अब हम लोग बात करेंगे इनके साथ, अभिषेक कुमार जो बिहार के हैं, इनके साथ जो टेलीफोनिक मॉक इंटरव्यू हुआ है उस पर आइए। बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? बैंक में सर एक सर ड्रीम रहा है कि हमको बैंक में जॉब करना है, स्टार्टिंग से मेरा एक टारगेट था कि हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं बैंक में आके, एक सर्विस सेक्टर में हम जाना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर में? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं? यस सर। तो सर्विस सेक्टर से बैंक तो नहीं है? और भी नहीं है, बट सर्विस सेक्टर में और भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट बैंक उसमें एक ऐसा पोर्शन है तो जहाँ पे हमको उनको काम करने में अच्छा लगेगा, इसीलिए सर बैंक। तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का इरादा क्यों है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं? तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का सर सबसे बड़ा रीजन था सर सिक्योरिटी का सर, आपको जॉब सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पे सर। और जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब जाने का सर डर नहीं रहेगा उसका सर, मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया सरकारी बैंक में तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हटाएं, और प्राइवेट वाले तो बस निकाल देते हैं। इसलिए काम तो सर काम दोनों जगह करना नहीं सर, काम तो सर आपको दोनों जगह ही करना है,
बट क्या होता है सर कि अगर आपको सिक्योर जॉब है सर, गवर्नमेंट जॉब है तो जो भी सिक्योर जॉब है, क्योंकि फ्यूचर में सर कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक अभी जो कोरोना हुआ तो सब प्राइवेट में बहुत सारे जॉब गए हैं, बट सरकारी में सर किसी का नहीं गया, तो एक सिक्योरिटी है, काम हमको दोनों जगह ही करना पड़ेगा, बट वो एक एक्स्ट्रा सर एक बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब में कि आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी की चिंता किसको होती है? जिसको अपने ऊपर विश्वास न हो, जिसको विश्वास है वो इसकी चिंता क्यों करेगा? एक जॉब नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, जॉब को आदमी की जरूरत होगी, आदमी को ही जॉब की जरूरत क्यों हो? यस सर। अच्छा ये बताइए कि रूरल बैंक में आप जा रहे हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ बनना चाहते हैं, चलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर एसबीआई में सिलेक्शन हुआ तब? सर अभी सर मेरे पास एक ही सब ऑफर है, अभी मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही जॉब है, वो है सर आरआरबी पीओ का, तो अभी सर इसको हम इसी को ज्वाइन करेंगे और इसी में सर अपना सब फट देंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ अगर फ्यूचर में कोई अपने पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जहाँ पे मुझे हमको लगता है कि मुझे वहाँ पे ज्यादा बेटर फैसिलिटी मिल सकता है या ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो सर उस टाइम वहाँ पे अपने सीनियर मैनेजर जो भी होंगे उनसे हम बात करेंगे कि मेरे लिए और बैंक दोनों के लिए क्या बेटर रहेगा। बट अभी जो हम प्रेजेंट में हम रहते हैं और प्रेजेंट के हिसाब से मेरे हाथ में सिर्फ अभी एक ही जॉब है, वो है ये है, तो सर इसी पर हम अपना पूरा फोकस रखेंगे, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, चलिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद आप एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं देंगे? एग्जाम देंगे सर। एग्जाम देंगे तो फिर सिलेक्शन भी चाहिए, तो फिर आप वहाँ जाना भी चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जॉब से ज्यादा अच्छा लगता है आपको एसबीआई पीओ का जॉब? नहीं सर, वो सर जरूरी नहीं है कि सर वही अच्छा लगेगा सर, बट अगर ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा वहाँ पे ये होगा तो सर जरूर ज्वाइन करेंगे सर। अगर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आप फॉर्म फिलअप नहीं करते, आपने तो कहा कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब फॉर्म फिलअप करेंगे इसका मतलब वो जॉब पसंद है, यानी सिलेक्शन होने पर आप उसमें जाना चाहेंगे। तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट को क्यों सेलेक्ट करूं जो मेरे बैंक में रहने के लिए तैयार नहीं है और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहता है? रुकिए, मैं यहाँ पर आपको टोक रहा हूँ, ठीक है? अभी इंटरव्यू बोर्ड के रूप में न पूछ करके दूसरे रूप में सलाह देते हुए आपसे बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाता। अभी जो भी आपने आंसर दिया उसमें आपसे एरर हुआ तो उस एरर को एक्सेप्ट करने का है, उस गलती को एक्सेप्ट करने का है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या बोलना है ये सोच करके बोल रहे हैं, क्या बोलना है इस पर मेरा विचार क्या है और वो मुझे बोलना चाहिए ये सोच के नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आप इंटरव्यू बोर्ड के दखल देने के बाद भी आप गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं और गलत आंसर भी दे रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि सुनिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में सिलेक्शन होने के बाद एसबीआई पीओ में एग्जाम देने का सवाल नहीं उठता, मैं नहीं दूंगा। अगर आप इसमें बढ़िया से सोचेंगे तो आपके अंदर से भी ये आवाज आएगी कि हाँ मैं एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं दूंगा। किसका दूंगा? आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्जाम दूंगा, नाबार्ड का एग्जाम दूंगा, क्योंकि वो सुपीरियर जॉब है और जीवन में सुपीरियर जॉब पाना, आगे बढ़ना, ये इंसान का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं और इनमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हाँ, आरआरबी का जहां तक सवाल है इसका इस मायने में अंतर है, ये रूरल एरिया में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है और बैंक चाहती है कि जिन लोगों को रूरल एरिया में काम करने में
दिलचस्पी हो उनका सिलेक्शन किया जाए। होता ये है कि जो शहरी इलाकों में बैंक हैं और दूसरे बैंक हैं जो आरआरबी नहीं है, उनके भी रूरल पोस्टिंग होते हैं, वहां भी रूरल एरिया में लोग काम करते हैं, लेकिन उनको वो इंटरेस्ट नहीं होता, हमेशा भागने के चक्कर में रहते हैं कि शहर में कैसे भागे। इसीलिए तो आरआरबी का गठन हुआ ना, कि रूरल एरिया की जरूरतों को ध्यान में रख करके ऐसे ही कैंडिडेट को वहां पर सिलेक्शन किया जाए जिनको पता है कि हमको आरआरबी में रह करके गांव के विकास में रोल अदा करना है। आपके फादर फार्मर हैं, नेचुरली अगर आप सोचेंगे, किसी का सुन के नहीं बोलना है, किसी का सुन के सीखना है आपको, मैं भी जो आपको बोल रहा हूं उसको रियलाइज करना है, आपको लगना चाहिए कि वो सही है तभी एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको नहीं बोलना है। तो अभी मेरा कहना है कि आपके फादर फार्मर हैं, नेचुरली गांव में आप रहते रहे होंगे, एक लंबा समय गुजरा होगा, रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स को आप नजदीक से समझ रहे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट होना एक बात है, लेकिन अपनी आंखों से उस चीज को देखना और महसूस करना जिसमें एक व्यक्ति को लोन चाहिए, गांव में लोगों को एग्रीकल्चर के विकास के लिए लोन चाहिए, लेकिन उनके पास कागज पत्र और दूसरी चीजें जो अनिवार्य होती हैं नहीं है, उनको बनाना भी वो नहीं जानते जबकि वो बना सकते हैं, और इसके कारण आपको बड़े पैमाने पर गरीबी दिखती है, विकास का अभाव दिखता है जो बचपन से आपने देखा है, और आपके मन में ये महसूस हो रहा था आ रहा था कि ये बैंक में काम करने वाला स्टाफ, उस पर कोई ब्लेम नहीं किया जा रहा, वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी से अलग हट करके अगर उसकी दिलचस्पी हो तो वो आगे बढ़ करके लोगों को कागजात इकट्ठा करने में लोन देने के लिए वो कैसे कैपेबल होंगे, इसके लिए काम करने में उसकी दिलचस्पी पैदा होगी, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो गांव में रहा है, फेस किया है। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैंने इसको फील किया है तो फिर आपको ये बात बोलनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि फील होना चाहिए, जो लोग गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं उनको फील होगा, कोई जरूरी नहीं, गांव वाले को होता है कि मैं बैंक में होता। आरआरबी से आपको परहेज क्यों है? देखिए जहां तक पोस्टिंग का सवाल है, जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं वहां भी आपको रूरल पोस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि रूरल पोस्टिंग सिर्फ आरआरबी में होती है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी भारत का गांव, डिस्ट्रिक्ट कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर लगभग सारी सुविधाएं नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या फिर ऐसी चीजें नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधाएं मौजूद है। अब आप हवाई अड्डा बोलिएगा तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा तो भाई हर जगह तो दिल्ली नहीं है, हर जगह तो मुंबई नहीं है, मैं जमशेदपुर में रहता हूं यहां से तो मैं विदेश नहीं जा सकता, पटना में भी जो रहते हैं वो पटना राजधानी है तो भी, रांची राजधानी है तो भी, वहां से लंदन तो नहीं जा सकते, उनको तो पहले रांची दिल्ली जाना ही पड़ता है या फिर मुंबई जाना ही पड़ता है। तो सुविधाएं तो एक रिलेटिव बात है, एक व्यक्ति को अच्छे से जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए, भारत का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां ये मौजूद ना हो। और मेरा कहना है कि जिले से उसका सुदूरतम गांव 40-50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की जर्नी है, कौन कहता है कि गांव में रहिए, अरे शहर में रहिए ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहिए ना, इवन ब्लॉक में भी रह सकते हैं आप, वहां से 25-30 किलोमीटर की जर्नी ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और गांव के अपने फायदे हैं, वहां की आबो हवा, वहां का पर्यावरण, वहां की शुद्ध चीजें, आदमी शहर में रहता है पॉल्यूशन का ही मारा हुआ है, उसका जीवन तो यूं ही घट जाता है। रूरल एरिया का इस ख्याल से विशेष महत्व है कि
कि एक तरफ आप जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब दे रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पर्यावरण प्रिय चीजें आपको मिल रही हैं और शहरों की चीजें भी मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के गांव से लगाव होना चाहिए, और मेरा मानना है कि गांव से अगर लगाव नहीं है तो आरआरबी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये मैं सारे स्टूडेंट को भी कहना चाहता हूँ, गांव से लगाव आपको होना चाहिए और तभी आप आरआरबी दीजिए। और एक बार आरआरबी में सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स के लिए दूसरा बैंक पीओ में शिफ्ट होना सही नहीं है। हाँ, नाबार्ड में जा सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी में जा सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, टीसीएस में जा सकते हैं, मतलब अपग्रेड तो हम हमेशा होंगे लेकिन सेम लेवल में नहीं चेंज करेंगे। और ये आरआरबी के साथ ईमानदारी भी नहीं, ये आपको फीलिंग आना चाहिए अंदर से, मेरे बोलने से नहीं। आप इसको सोचिए, समझिए, और अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी तो आपके बॉडी लैंग्वेज में ये दिखाई देगा। जब बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा तो सामने इंटरव्यू बोर्ड इस बात को पकड़ लेगा और तब आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बाकी सारी चीजें गौण है। ठीक है, ओके सर। इंटरव्यू में और बहुत सारी चीजें होंगी, आपका बायोडाटा देख करके और मैं देखता हूँ उसका डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, हाँ सर, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट।